नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा व्रत कैसे करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा व्रत कैसे रखा जाता है। पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ समय के आधार पर पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी यानी पूर्णिमा के पिछले दिन से शुरू होता है। पूर्णिमा व्रत चतुर्दशी को तभी मनाया जाएगा जब पूर्णिमा तिथि पिछले दिन के मध्याह्न काल से शुरू हुई हो। पूर्णिमा व्रत करने वाले भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। पूर्णिमा पर सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक व्रत रखा जाता है। जो भक्त पूर्णिमा व्रत को सख्ती से पालन करते हैं वे आमतौर पर कुछ भी नहीं खाकर या पीकर उपवास करते हैं, लेकिन जो लोग इतना सख्त नहीं पालन कर सकते हैं वो जो है फलहार भोजन कर सकते हैं। चांद दिखने के बाद भक्त अपने पसंदीदा भगवान की पूजा करते हैं और प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। प्रसाद या प्रसादम पूजा करते समय देवताओं को चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद प्रार्थना करते समय इनका सेवन किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसादम भगवान को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप खीर का भोजन खीर का प्रसाद जो है चढ़ा सकते हैं। हो सके तो आप चांद अगर दिखाई दे तो चांद ऐसे आप रखें खीर को कि चांद की उसमें झलक दिखती हो और उसे फिर ग्रहण कर ले पूजा के बाद। दोस्तों, ये थी जानकारी कि पूर्णिमा तिथि को व्रत कैसे रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।